हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। कैसे आप सब? वेलकम टू प्रीतिस किचन। आज मैं आपके साथ भुने चने से दो काफी यूनिक सी रेसिपी शेयर करने जाने वाली हूँ। एक तो आप सब्जी की तरह भी खा सकते हो। इसको मैंने छिलते निकाल के लिया है, आधे वाटी के आसपास चने लिए हुए। देखिए, चने के मैंने छिलते हटा के लिए हुए। चने के छिलते हटाने के बाद मिक्सचर जार में वो चना ले लिया है, और जितना चना ले रहे हो उतना ही आपको पोहा लेना है। और पोहा और चने से आधे माप का अपने को रवा का इस्तेमाल करना है। रवा से हमारे नाश्ते में क्रिस्पीपन आएगा, और ये नाश्ता आप बना के स्टोर भी कर सकते हो एक महीने तक, दो महीने तक। अभी इसको मिक्सचर जार में लेके मैंने अच्छे से फाइन पाउडर बना के लिया हुआ है। अभी क्या करेंगे, इसमें चंक्स वगैरह कई टाइम कैसे पीसने में रह जाते हैं नाख्य के, इसीलिए मैं इस तरह से छान के ले रही हूँ। छानने से अक्खा कुछ भी रह गया ना वो सब निकल जाएगा। इस तरह से मैंने सभी आटे को छान के रेडी कर लिया है। अभी आटे को साइड में रखेंगे। एक आलू लिया है, यहाँ पे मैंने छोटे साइज का आलू लीजिए। आलू जरूर डालना, ये नाश्ते में काफी टेस्टी लगता है। आलू के छिलते को मैंने हटा के ले लिया है। आलू के छिलते को हटाने के बाद अपने को बड़े बड़े टुकड़े करके मिक्सचर जार में ले लेने। मिक्सचर जार में लेने के बाद थोड़ा सा पानी डालना है हम लोगों को, फिर अपने को पीस के लेना है। अच्छा फाइन पेस्ट रेडी करना है, फिर इसको छान के लेना है, क्योंकि आलू कैसे पूरे के पूरे पीसने नहीं होते, कई टाइम वो अक्खे थोड़े से चंक्स रह जाते हैं, इसीलिए मैंने इस तरह से उसको भी छान के इसमें आटे के साथ मिला लिया है। अभी इसको हम लोग ने निकाल लिया है सभी चंक्स, देखो इतना सा रह गया था। इसके नीचे जो जगह थे ना, वो भी मैंने इस तरह से स्पून की मदद से इसमें डाल दिया है। अभी इतना सा हम लोग का बच गया, उसको जाने देंगे। अभी इसमें थोड़ा सा जीरा डाल रही हूँ मैं, अक्खा जीरा, थोड़ी सी सफेद तिल डाल रही हूँ। अजवाइन को हाथों की मदद से क्रश करके फिर इसमें डालेंगे हम लोग। थोड़ी सी हींग डाल रही हूँ मैं यहाँ पे, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। बेसिक मसालों से काफी टेस्टी नाश्ता रेडी होगा। धनिया पाउडर डाल रही हूँ, थोड़ा सा मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ मैं। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। आपके पास सौंफ का पाउडर हो तो वो भी थोड़ा सा इसमें डालिए, काफी टेस्टी लगता है। इस तरह से मैंने मिक्स करके लिया है, और मिक्स हो जाने के बाद अपने को इसमें थोड़ा सा पानी डालना है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा लगा के लेना है। यहाँ पे हम लोगों को सॉफ्ट आटा लगाना है, अपने को ज्यादा हार्ड आटा नहीं लगाना है। सॉफ्ट आटा लगाओगे ना तो बेहद आसानी से आपको ये नाश्ता बनाने जमेगा। इसीलिए देखो इस तरह से सॉफ्ट आटा लगा के हो गया ना, मसलते हुए आटे को लगाना है अपने को। आपने नॉर्मल आलू भुजिया वगैरह तो काफी खाए रहेंगे बेसन से, मगर कभी इस तरह से भुने चने के आलू भुजिया खाए है क्या? देखो थोड़ा सा तेल डाल के मैंने क्या कर लिया, हाथों की मदद से इसको मसल के लिया हुआ। आटे को अच्छे से चिकना करके लेना है हम लोगों को। देखो इस तरह से नरम आटा रेडी कर लिया है। अभी कोई भी एक पॉलीथीन बैग या फिर इस तरह से दूध की थैली ले लीजिए, आपके पास पाइपिंग बैग हो तो वो भी ले सकते हो। ग्लास में रख के इस तरह से मैंने आटा आधा आधा आटा इसमें ले लिया है, और फिर अपने को इसको थैली को निकाल के इस तरह से ये करके लेंगे, प्रेस कर से कॉर्न जैसे बना के लेंगे। अभी कैंची की मदद से एक बड़ा सा हॉल करेंगे इसमें, अपने को ये जाड़ा बनाना है क्योंकि इससे हम लोग सब्जी बनाने वाले, इसीलिए। फिर तेल अच्छे से गर्म हो गया रहेगा ना, उसमें अपने को ये आटे को इस तरह से बना के लेना है। मोटा वाला गाठिया जो आप है ना, वैसा हम लोग गट्टा कैसा रहता है सेम वैसे मैंने इसको तेल में बना के ले लिया है। देखो तीन से चार गट्टे बनाए, इनसे हम लोग की दो लोगों की सब्जी बनेगी। और ये गट्टे बना के आप फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हो। जनरली गट्टे जो बनते हैं ना वो बेसन के और पानी में उबाल के बनते हैं, मगर ये गट्टे जो बनते हैं ना ये काफी टेस्टी और काफी यूनिक सब्जी लगती है। इसको निकाल के मैंने भून तल के लिया अच्छे से। मीडियम फ्लेम रखना गैस का, ज्यादा हाई फ्लेम मत रखना। और दूसरी रेसिपी के लिए मैं इस तरह से आलू भुजिया के लिए इस तरह से ग्रेटर रहते ना वो ले रही हूँ, और इस तरह से अपने को ग्रेटर की मदद से हम लोग शेव बना के लेंगे। शेव भी मैं आपको दो तीन तरीके से बताऊंगी, आपको जिस तरीके से ठीक लगे उस तरीके से बना सकते हो। और आलू भुजिया से भी काफी टेस्टी ये शेव रेडी होती है हमारी घर पे। इस तरह से मैंने ग्रेटर की मदद से ग्रेट करके ये शेवई बना के लिए। देखो अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक, क्रिस्पी होने तक अपने को तल के लेना है।
यहाँ पे गैस की फ्लेम आपको मीडियम रखनी है, ज्यादा हाई फ्लेम मत रखना। ज्यादा हाई फ्लेम रखेंगे तो अंदर से कच्चा रह जाएगा और फिर नरम भी हो जाएगा आपका नाश्ता। और ये एक महीने तक आप स्टोर भी कर सकते हो। इसको अभी मैंने सेम संचे में भी करके दिखाती हूँ। तेल से अच्छे से ग्रीस करके लिया संचा मैंने, ये जो रहता है ना साचा वो, और इसमें अपने को भर के लिया आटा जितना बचा था ना उतना। अभी इसको बंद करके लिया है साचे को। साचे को तेल से अच्छे से ग्रीस करना, नहीं तो साचे में आटा चिपक जाएगा। अभी तेल अच्छे से गर्म है, उसी में अपने को मीडियम फ्लेम करके शेव को डाल लिया इसमें। इस तरह से भी आप शेवई बना सकते हो, काफी टेस्टी लगती है और हेल्दी तो है ही। भुने चने में कैल्शियम आयरन काफी भरपूर मात्रा में होता है, विटामिन से भी भरपूर होता है। बच्चे ऐसे भुने चने नहीं खाएंगे, मगर आप आलू भुजिया इस तरह से बना के उनको खिलाओगे ना, तो बच्चों ने एक बार इसका टेस्ट चख लिया ना, तो मेरी गारंटी है वो नेक्स्ट टाइम जरूर आपसे ये रेसिपी जरूर बनवाएंगे। अभी आपको मैं ये बताती हूँ छलनी की मदद से, आप ये कर रहे हो ना जब भी ग्रेटर की मदद से, तो आपको दो तीन बार इस तरह से सीधा हाथ घुमाना है और फिर दो तीन बार उल्टा हाथ घुमाना है और फिर इस तरह से हथेली पे मार के अपने को भुजिया बनाना है। आप अगर ग्रेटर में बनाए तो इस तरह से बनाइए। गैस की फ्लेम मीडियम करके मैंने सारी भुजिया को रेडी कर लिया है। अभी भुजिया रेडी हो जाने के बाद अपने को इसको साइड में रख लेना है। अभी हमने जो मोटा वाला गाठिया जैसा रेडी किया था ना, वो देखो मैं तोड़ के बताती हूँ। अंदर तक मस्त पक चुका है। अभी इसके हम लोग को पीसेस करके लेने, आधे आधे इंच के टुकड़े करके लेने अपने को। अंदर तक पके हुए इसीलिए कोई टेंशन है नहीं, आपको चाहिए वैसे पीसेस आप कर सकते हो। सभी पीसेस मैंने रेडी कर लिए इस तरह से। अभी एक पैन में थोड़ा सा तेल गरम करके लिया है, इसमें मैंने थोड़ा सा जीरा डाल रही हूँ, थोड़ी सी हींग डाल रही हूँ, साथ ही साथ हींग जब चटक राई जब जीरा जब चटकने लगे ना, उसके बाद एक प्याज को मैंने कट करके लिया था ना, उसको भून के लेंगे हम लोग। यहाँ पे गैस की फ्लेम आपको मीडियम रखनी है और साथ ही साथ एक टमाटर भी मैंने बारीक कट करके लिया हुआ है, वो टमाटर को भी हम इसमें डाल देंगे। टमाटर और प्याज भून रहे तब तक एक बाटी में दही ले लेंगे, एक से दो चम्मच जितना हम लोगों को दही लेना है। यहाँ पे अपने को नॉर्मल दही लेना है, ज्यादा खट्टा दही नहीं ले इस्तेमाल करना है। इसमें हम लोगों को थोड़ा सा मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ मैं, थोड़ा सा हल्दी पाउडर हम डालेंगे, थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल रही हूँ मैं, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे हम लोग इसमें और अच्छे से मिक्स करके लेंगे। दही में मसाले को मिक्स करने से क्या होगा, टेस्ट काफी बढ़ के आता है। अभी इस तरह से रेडी हो जाने के बाद अपने को इसमें एक से दो चम्मच पानी डालना है और फिर अच्छे से मिक्स करके लेना है। और मिक्स करके हो गया ना, उसके बाद ये जो हमारा कांदा टमाटर अच्छे से पक चुका रहेगा, उसके बाद उसमें ये डाल के लेना है। आप चाहिए ना तो और भी सब्जियां जैसे कि शिमला मिर्ची है, कॉर्न है, उसका भी इस्तेमाल इसमें कर सकते हो। ये ग्रेवी को अच्छे से पकने देंगे, दही का सूखने तक अपने को इसको पकाना है। उसके बाद उसी दही वाली वाटी में दो चम्मच जितना पानी लेके वो पानी हम लोगों को इसमें डाल देना है और फिर से अपने को अच्छे से उबाल आने तक गर्म करना है। उबाल आ जाएगा ना, उसके बाद हमने जो गाठिया रेडी किया था ना मोटा वाला, वो हम इसमें डाल देंगे और फिर इसको अच्छे से मिक्स करके लेंगे। आपके बच्चे अगर मंचूरियन खाना पसंद करते हैं और ड्राई मंचूरियन पसंद है, तो यहाँ पे दोनों तरह के केचप, चिली गार्लिक सॉस वगैरह रहते हैं ना वो, और सोया सॉस, वो डाल के आप चाइनीज भी रेडी कर सकते हो इसी तरह से। थोड़ा सा हरा धनिया के साथ ये मैंने सब्जी बना के रेडी कर लिए। देखो मस्त सी सब्जी, टेस्टी चटपटी सी रेडी हो चुकी है। यहाँ पे एक बात याद दिला दूं, आपने मेरी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, जिसे इतनी अच्छी और इजी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। और मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी जरूर कमेंट में बताना।